सो यहाँ पे दो डबल बेड आपको मिलने वाले हैं सेपरेटली। आप यहाँ आपको कैटल एंड कॉफी वॉफी इंजॉय करने के लिए आप अपने बेवरेजेस इंजॉय कर सकते हैं। सो ये आपको महिपालपुर वाला फ्लाईओवर दिखने वाला है, सीधा आप गुड़गांव के लिए ऊपर चढ़ सकते हैं एंड नीचे आप महिपालपुर के लिए जा सकते हैं। ए ब्लॉक का आपको ये बोर्ड दिखने वाला है, यहाँ से आप अंदर को जाएंगे तो आपको 8 नंबर गली स्टैनली मिलने वाला है एंड ये रोड आपका महिपालपुर को जाने वाला है। सो अगर इधर से आ रहे हैं सीपी साइड से लाइक न्यू दिल्ली एरिया से आ रहे हैं तो आपको ये ए नंबर ब्लॉक ये पड़ने वाला है, आप यहाँ से अंदर जाएंगे एंड स्टैनली के लिए आपको 8 नंबर से लेफ्ट होना पड़ेगा। सो आप दिल्ली से महिपालपुर वाला फ्लाईओवर आपको सामने मिल जाएगा। अगर आप एयरपोर्ट के लिए जाते हैं, गुड़गांव के लिए जाते हैं तो सामने मेन रोड रहने वाली है एंड वहाँ से सीधा डायरेक्ट आएंगे तो यहाँ पे आपको लेफ्ट में स्टैनली दिख जाएगा। बाकी होटल स्टैनली की लोकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप गूगल मैप का भी यूज़ करके यहाँ पे डायरेक्टली आ सकते हैं। सो इट्स वेरी रीजनेबल एंड काफ़ी नीट एंड क्लीन एंड प्रीमियम होटल है, आप एक बार यहाँ पे विजिट ज़रूर करें। सो स्टैनली होटल में आपको पार्किंग की भी फैसिलिटीज़ मिलने वाली है। अगर आप अपने कन्वेंस से आना चाहते हैं, अपनी पर्सनल बाइक या गाड़ी से आना चाहते हैं तो आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम फेस करने की ज़रूरत नहीं है। स्टैनली में आपको पार्किंग की फैसिलिटीज़ भी मिलते हैं। सो आपको पार्किंग शो करता हूँ। सो यहाँ से आप नीचे जाके यहाँ पर अंकल वंकल सब गार्ड्स वार्ड्स अंकल सब लोग रहते हैं तो आपकी बिल्कुल गाड़ी की एकदम सिक्योरिटी है। तो यहाँ से नीचे पार्किंग मिलने वाली है। सो ये आपको पार्किंग एरिया मिलने वाला है, यहाँ पे आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी गाड़ी पार्क है एंड अपनी बाइक वाइक बिल्कुल आपकी सिक्योर है। सो ये सारा पार्किंग एरिया है, ठीक है। सो यहाँ से स्टैनली की पार्किंग के ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं, हर तरह की पार्किंग आप यहाँ पे कर सकते हो, 24 आवर पार्किंग फ्री अवेलेबल है। चलो बाकी अंदर भैया। सो रिसेप्शन में आपको यहाँ पे कोई भी मिलने वाला है, आज हमारे सामने कृष्णा भैया है। हेलो भैया, कैसे हो? सो होटल का नेम क्या भैया? स्टैनली होटल है एंड लोकेशन क्या पड़ने वाली है स्टैनली की? महिपालपुर। हाँ जी। और रोड गली नंबर 8 है, रोड नंबर 4 है। रोड नंबर 4 महिपालपुर पड़ेगा सर आपका। ओके, पार्किंग की फैसिलिटीज अवेलेबल है सर? पार्किंग की भी है। ओके, बेसमेंट में हमारी जितनी बहुत बड़ा वो है बेसमेंट। हाँ, मतलब पार्किंग की फैसिलिटीज अवेलेबल है एंड यहाँ से अपना एयरपोर्ट कितना है? एयरपोर्ट सर 10 मिनट लगेंगे। अच्छा, 10 मिनट की डिस्टेंस है लगभग एंड लगभग किलोमीटर एक या 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। कौन कौन से रूम्स अवेलेबल है यहाँ पे? अभी सुपर डिलक्स रूम है। नहीं अभी नहीं, हमेशा कौन कौन से रूम्स अवेलेबल होते हैं? नहीं, डिलक्स रूम सर, सुपर डिलक्स रूम भी है, जनरल रूम भी, जनरल रूम भी है। तो कितने से स्टार्टिंग हो जाती है रूम्स की? सबसे जो भी चीपर रूम्स है वो कितने से स्टार्ट हो जाते हैं? 2000 से स्टार्टिंग हो जाती है। अच्छा, और यहाँ पे नाइट में लगभग अगर कौन सी देखने वाली चीजें कौन कौन सी? यहाँ से छतरपुर कितना पड़ेगा, कुतुब मीनार साइड, उसकी डिस्टेंस कितना? 5-6 किलोमीटर मिनिमम। ओके, तो चलो आप रूम्स देखते हैं यहाँ का रूम्स कैसा है। ये रिसेप्शन एरिया है, यहाँ पे आपको रिसेप्शन में कोई ना कोई भैया जरूर मिल जाएंगे जो आपको गाइड कर देंगे एंड यू कैन वेट हियर एंड यहाँ से एयरपोर्ट की डिस्टेंस 2 या 2.5 किलोमीटर है। सो बहुत ईजिली एंड कैब भी प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को? जी यस, कैब भी प्रोवाइड करते हैं। उसके चार्जेस अलग से होंगे? उसके चार्जेस रूम से या होटल्स के चार्जेस के अदर्स होंगे। सो समटाइम्स आपका ऐसा होता है कि ओला उबर आपकी नहीं आती तो उस टाइम पे होटल्स आपको कैब भी प्रोवाइड करते हैं। सो चलो आप रूम का टूर मारते हैं। सो कौन चलने वाले हैं हमारे साथ? सो ये कैफेटेरिया भैया? सो होटल में स्टैनली होटल में आपको कैफेटेरिया भी मिलने वाला है। सो अगर आपका पैकेज में मील होता है तो आपको यहाँ पे बफे सिस्टम सारा मिलने वाला है, यू कैन एंजॉय योर मील एंड ब्रेकफास्ट। ओके ओके, अच्छा ये डिलक्स है। ओके, सो आपको इस तरीके के फर्निश रूम मिलने वाले हैं, ऑल दी फीचर्स हियर, कैटल स्वेटल्स एंड डिस्प्ले, टीवी मिल जाएंगी, बॉटल्स मिल जाएंगे एंड ये रूम्स मिलने वाले हैं आपको। यहाँ पे इस तरह के एसीज एंड लाइटिंग सिस्टम ये है।
सो डबल बेड मिलने वाला आपको, टॉवल्स कुशन सुशंस प्रॉपर हाइजीन एंड बेडशीट काफ़ी हाइजीन है किसी, एंड यहाँ पे सिटिंग के लिए आप दो लोगों की तीन लोगों की सिटिंग के लिए आपको सोफ़ा मिला हुआ है एंड टेबल, एंड यहाँ पे डिस्प्ले टीवी मिला हुआ है, एंड एसी आपको स्प्लिट एसी मिल जाता है, एंड कबर्ड है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक कैटल आपको मिल रही है, अलमीरा है यहाँ पे अपने आप सामान रख सकते हैं। वॉशरूम्स को देख लेते हैं, वॉशरूम की तो इस तरह के नीड एंड क्लीन आपको वॉशरूम्स मिलने वाले हैं, एंड सोप्स एंड मॉइस्चराइजर रखे हुए हैं, एंड आपको जैगवार का गीजर मिल जाता है, एंड ये मिल जाता है, तो आपको नीड एंड क्लीन काफ़ी अच्छे हैं। प्राइस कैटेगरी रहने वाला है बेस का क्या प्राइस कैटेगरी रहने वाला है? ओके, डिपेंड ऑन सिचुएशन की, लाइक क्रिसमस चल रहा है या फेस्टिवल चल रहा है, तो ये सारी सिचुएशन में आपको वैसे इसके नॉर्मल डेज में क्या प्राइसेस होने वाले हैं? 2500 रुपये, 2500 से 3500 रुपये तक जाता है। और ये कौन सी कैटेगरी का है? डिलक्स, सुपर डिलक्स। ओके ओके, सो इस तरह का रूम है, ये सारी डिटेल्स हैं, एंड टीवी एंजॉय कर सकते हैं, रिसेप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, एंड और भी कुछ डिटेल्स आप देना चाहते हो भैया? लाइक वाईफाई फैसिलिटीज़ हैं, फैसिलिटीज़ कौन कौन सी हैं? रेस्टोरेंट है, ट्रांसपोर्टेशन, वाईफाई, ठीक है, रूम सर्विस, वो सारी चीज़ें। ओके, सो ये हमारे पास में रूम्स हैं, ये डिलक्स रूम आपको दिख जाएगा, सो यहाँ से बाहर का व्यू आप ये ले सकते हैं, एयरपोर्ट से जस्ट लाइक 10 मिनट्स की डिस्टेंस है, सो बहुत इजी अगर आप एयरपोर्ट से आते हैं। बाकी अगर आप मैरिड या अनमैरिड कपल है उनकी डिटेल्स मैं बाद में दे दूंगा। ये सुपीरियर रूम है। और वो वाला कौन सा सर? ये वाला लेगेटिव एग्जीक्यूटिव। ओके, सो ये एक और रूम दिखाने वाले भैया हमको, ओके, ये सुपीरियर, हाँ ये थोड़ा सा उससे हल्की सी कैटेगरी नीचे में है, बट सीरियसली मतलब लाइटिंग वाइटिंग कंडीशन है, हाइजीन आपको प्रॉपर मिलने वाली है, एंड यहाँ पे मिरर लगा हुआ है, नीचे टेबल मिली हुई है, डिस्प्ले टीवी मिला हुआ आपको, डिजिटल डिस्प्ले, एंड एसीज आर सेम्स, ऑलवेज सेम्स, बेड यहाँ पे डबल बेड लाइक बड़ा किंग साइज बेड आपको मिल रहा है, एंड डेकोरेशंस एंड पीछे कर्टेंस बहुत अच्छे हैं, ऊपर लाइटिंग्स का सीन मिला हुआ है, एंड यहाँ पे सेम, बट ये रूम उससे छोटा है, लाइक उससे छोटा है, सो वो जो लास्ट रूम दिखाया था इसका इंटीरियर थोड़ा सा आपका क्रीमी में आपका थोड़ा सा दिया हुआ है, एंड वहाँ पे थोड़ा सा आपको ब्लूइश एंड स्काई ब्लूइश टोन में दिया हुआ था, सो ये आपको किंग साइड बेड मिलने वाला है, एंड इसके प्राइस रेट तो इफ यू कंपेयर विद द नंबर्स दैट इज 10 एंड दिस इज 9 और 8 2500 वो भी 2500 हां। सो यहाँ पे वॉशरूम है, सो वॉशरूम में आपको दिखा देता हूँ, सो ये वॉश बेसिन है, एंड यहाँ पे आपको मिरर मिलने वाला है, सो काफ़ी नीट एंड क्लीन है, एंड ये आपको टॉयलेट मिल जाएगा, सिटिंग पॉट, ऊपर आपको गीजर मिल जाएगा, सो अगर हाइजीन देखें तो बहुत अच्छी हाइजीन मेंटेन हो रखी है, लाइक बहुत ही नीट एंड क्लीन है, किसी तरीके की कोई आपको डर्ट या देखने को नहीं मिलती, एंड यहाँ पे आपको सोप मिल जाएंगे एंड 3 से 4 मॉइस्चराइजर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, एंड यहाँ पे अगर आप कॉफ़ी या चाय या कुछ भी इंजॉय करना चाहते हैं तो यहाँ पे यू कैन मेक योर कॉफ़ी बाय योर ओन, सो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक केटल एंड कॉफीज मिलने वाली है, सो इसके प्राइजेस आपके, सो इस रूम की कैटेगरी आपको 2500 से पड़ने वाली है, 2500 से लेके 3500 तक आपको ये रूम मिल जाएगा, 2500 एकदम बेसिक स्टार्टिंग है, जब कोई फेस्टिवल डेज ना हो, अगर न्यू ईयर या कुछ ऐसे 31st रहा या न्यू ईयर रहा तो बेसिकली आपको सबको ही पता है कि हाँ प्राइस में हाइक हो जाती है हर तरीके की, सो नॉर्मल डेज में अगर आप आ रहे हैं किसी तरीके का कोई फेस्टिवल नहीं है तो ये रूम आपको 2500 का पड़ने वाला है, 2500 रुपये का आपको पड़ने वाला है, एयरपोर्ट की डिस्टेंस बिल्कुल एकदम बहुत ही पास में, 1 किलोमीटर लगभग 10 मिनट्स लगने वाले हैं, कैब अगर आपकी आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही है तो होटल आपको कैब प्रोवाइड करता है, कैफेटेरिया ऑप्शन यहाँ पे है, अगर आपके होटल के पैकेज में मील इंक्लूड है तो आप जाके बफे इंजॉय कर सकते हैं, मील इंजॉय कर सकते हैं, नीचे आपको कैफेटेरिया मिल रहा है, नहीं है तो आप सिंपल, और अगर आपको मील यहाँ से नहीं खाना है तो आप बाहर से भी स्विगी या जोमेटो से ऑर्डर करके अंदर मंगवा सकते हैं, रिसेप्शन से अपना ऑर्डर ले सकते हैं, एंड होटल्स कपल फ्रेंडली रहने वाले हैं, आप मैरिड कपल हो अनमैरिड कपल हो वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए, आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर आईडी कार्ड लग सकता है, एंड आपकी एज 18+ होनी चाहिए, देन आप होटल के सारे फीचर्स यूज कर सकते हैं, सारी फैसिलिटीज यूज कर सकते हैं, सो वैलिड आईडी प्रूफ के साथ आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं, और 208 को हम एक्सप्लोर करने वाले हैं, एंड ये कौन सी कैटेगरी का ऐसा रूम, इसमें 2 सेपरेट बेड्स मिल जाएंगे, कितने से स्टार्टिंग हो रही है? 2500 से, ओके,
सो यहाँ पे दो डबल बेड आपको मिलने वाले हैं सेपरेटली। आप यहाँ पे अपनी फैमिलीज के साथ में आ सकते हैं एंड यहाँ पे आपको सोफ़ा मिलने वाला है, 2 से 3 बंदे आराम से सीट होके इन्जॉय कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्टडी टेबल मिलने वाला है एंड यहाँ पे कवर्ड स्पेस बहुत ज़्यादा है एंड डिस्प्ले टीवी का डिस्प्ले इधर है एंड एज इट इज़ लाइक आपको कैटल एंड कॉफ़ी वॉफी इन्जॉय करने के लिए आप अपने बेवरेजेस इन्जॉय कर सकते हैं एंड यहाँ के वॉशरूम्स को चेक कर लेते हैं। वॉशरूम आपको सेम एज इट इज़ बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिलने वाले हैं। सो यहाँ पर आपको वॉश बेसिन मिलने वाला है एंड लाइक शावर जेल एंड मॉइस्चराइजर विद सोप आपको यहाँ पे मिलने वाला है एंड वॉशरूम बिल्कुल हाइजीन है, लाइक किसी तरीके की कोई गंदगी नहीं दिख रही है। गीजर आपको मिलने वाला वर्किंग एंड ये सारी फैसिलिटीज़ आपको वॉशरूम में मिलने वाली है। सो ये सेम डीलक्स रूम है लेकिन यहाँ पे आपको सेम लाइक सेपरेट बेड मिलने वाले हैं। अगर आप फैमिली के साथ में आ रहे हैं तो आप सेपरेट बेड्स को यूज़ कर सकते हैं। जो इस रूम की स्टार्टिंग हो जाती है वो भी 2500 से स्टार्ट हो जाती है। 2500 फेस्टिवल्स में आएंगे तो थोड़ा बहुत हाइक हो जाता है, वैसे इसकी स्टार्टिंग आपको 2500 से होने वाली है। सफाई करवा रहे हैं तो दूसरी लिफ्ट का है, दूसरी लिफ्ट बैक साइड में है। सो लिफ्ट आपकी 2 मिलने वाली है, एक लिफ्ट इस साइड मिल जाएगी एंड रिसेप्शन एंड रेस्टोरेंट एरिया इज हियर। सो यहाँ पे आपको कैफेटेरिया मिलने वाला है, नॉट कैफेटेरिया इज रेस्टोरेंट। सो अगर आपके पैकेज में मील इंक्लूड है तो यू कैन एंजॉय योर मील हियर। सो यहाँ पे रिसेप्शन एरिया एंड होटल का नंबर दे देता हूँ। सो होटल स्टैनली का मैंने कार्ड दे दिया है और इसका नंबर मैं वीडियो में मेंशन कर दूंगा। सो आपको कोई भी अगर आने से पहले कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, वैसे तो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी कार्ड देखने को मिल रहा है, आप इस नंबर पे कॉल करके किसी भी तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लाइक वैसे तो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन अपने ब्लॉग में दे ही दी है। सो अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा पूछना होगा तो आप स्टैनली में कॉल करके पूछ सकते हैं एंड अगर स्टैनली में कॉल नहीं करना चाहते तो पर्सनली मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। जितनी भी डिटेल है, जैसी भी डिटेल्स हैं, लाइक क्रिसमस में क्या प्राइजेस रहने वाले, न्यू ईयर पे क्या प्राइजेस रहने वाले एंड आप इन होटल्स को एज अ बर्थडे पार्टी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक आप बर्थडे सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं अपने फ्रेंड सर्कल का तो उसके लिए भी ये रूम यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दिल्ली NCR में घूमने फिरने के हम वीडियोज़ बनाते रहते हैं एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपके लिए लाते रहते हैं। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।